हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब आप कहेंगे स्टॉक में ऐसा खास क्या है? इस स्टॉक को, इस कंपनी को, यानी कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं है, मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। जितने भी ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स ये लेती है मेनली, और अभी इसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है मुंबई में, उसके बारे में बात करते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कौन सा हुआ है। शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 478 है शेयर में। देखिए, मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट थी, फिर भी इसके शेयर में बहुत ज़बरदस्त जंप था, 5-5.5% का जंप देखने को मिला इसके शेयर में। तो ये बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है कंपनी के लिए भी। और अभी 2-3 न्यूज़ और चल रही थी, इसमें बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आती जा रही है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब बात करते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बहुत टाइम से गिरा हुआ स्टॉक था, मीन नीचे आ रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का है, और अगर अर्निंग पर शेयर देखते हो तो शेयर प्राइस के हिसाब से देखिए 48-49 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है। पी रेशियो 9.85 का है, जहाँ पे इंडस्ट्री पी 11.89 का है। बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो ये कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू है, moneycontrol.com से मैं आपको ये डाटा बता रहा हूँ। 980 का जो है बुक वैल्यू है कंसोलिडेटेड, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो 0.49 है। अब एक नज़र डालता हूँ जो न्यूज पे जो इसको प्रोजेक्ट मिला है उस पे। देखिए, वर्सोवा बांद्रा लिंक, यह रिलायंस इंफ्राबैक्स डील फॉर वर्सोवा बांद्रा सीलिंग। वर्सोवा से बांद्रा मुंबई में जो सीलिंक बन रहा है, एक सिंगल बिगेस्ट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसका प्रोजेक्ट जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है। बहुत बढ़िया न्यूज़ है, जैसे मुंबई मेट्रो बनाई है उस तरीके से। और अब देखिए, MSRDC महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ये ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 6,993 करोड़ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट विद अनिल अंबानी लेड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वर्सोवा बांद्रा लिंक। देखिए, जो ये सी लिंक बनेगा, इसका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 7,000 करोड़, आप खुद देखिए, अच्छा खासा प्रोजेक्ट इसको मिला हुआ है। चलिए, ये न्यूज़ तो होगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब थोड़ा सा बात कर ले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के, मगर फाइनेंशियल्स डिटेल्स पर आपको ले जाऊँ तो वहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रही है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, फाइनेंशियल्स में हम जाते हैं। फाइनेंशियल्स देखिए, मार्च के क्वार्टर से जून के क्वार्टर में नेट सेल में बहुत ज़बरदस्त जो है फ़र्क देखा गया है। 2000 करोड़ से ये 2400 करोड़ तक चली गई, 332 करोड़ से जो प्रॉफिट है 362 करोड़ चला गया, तो बहुत बढ़िया। पिछले सितंबर क्वार्टर में तो अच्छा खासा प्रॉफिट था, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में वो कम हुआ, लेकिन दिसंबर क्वार्टर से अब जून क्वार्टर तक ये धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है, और टोटल डेट 8000 करोड़ का है, और टोटल एसेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के हैं कंपनी के, बहुत बढ़िया। लेकिन कंपनी में एक खास बात यह है कि अपनी ये डेट को कम करते जा रही है कंपनी। अब एक नज़र इसके डिविडेंड पे डालते हैं, तो ध्यान रखिए इसका डिविडेंड भी आने वाला है 12 सितंबर की इसकी एक्स डिविडेंड डेट, और डिविडेंड भी कम नहीं है, ऑलमोस्ट 9.5 रुपीज़ का डिविडेंड है, बहुत बढ़िया। और डिविडेंड आप हमेशा इस देखिए, इस कंपनी ने हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिविडेंड दिया, बहुत बढ़िया तरीके। देखिए, 7.5, 7.40, 7.50, 8, 8.50, 9, 9.50, तो कम नहीं होने देती, मीन्स अगले साल और भी ज़्यादा, अगर जो ये हिस्ट्री बता रही कि अगले साल और डिविडेंड देगी है, बहुत बढ़िया। एक नज़र इसके ग्राफ पे डालते हैं, तो ग्राफ कैसा रहा है इसका अब तक का ग्राफ अगर देखें तो, ये देखिए हम आपको ग्राफ पे ले जा रहे हैं, पिछले 6 महीने का, 1 साल का ग्राफ आपको दिखाते हैं। तो देखिए, वैसा मैंने आपके कहा था कंपनी तब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, गिरी थी बहुत बार, और ये गिर के ऑलमोस्ट 380 तक आ गई थी, लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी करी है कंपनी ने और ऊपर चढ़े जा रही है। जो मैं दूसरी न्यूज़ आपको बता रहा था वो न्यूज़ ये है कि रिलायंस ने अभी 2640 करोड़ का जो डेट था इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग था इलेक्ट्रिसिटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, वो इसने अभी क्लियर किया, तो बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी तोहफा दिया है, जैसे इसने भैया उधार क्लियर किया, तो उन्होंने कहा लो जी, एक तुमने 2600 करोड़ का जो है हमारा उधार दिया, आप ये लीजिए 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लीजिए, इसको कीजिए। तो देखिए, बढ़िया बात है, एक हाथ दो एक हाथ लो वाली बात है। नज़र डालते हैं टेक्निकल ग्राफ पे। अगर आप इसमें, जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी इसका वीडियो बनाया था, 420 के अराउंड स्टॉक का प्राइस चल रहा था, तो बहुत ज़बरदस्त बाइंग इसमें देखी गई है। तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि आप अगर इसको बाय करना चाहते हो तो अराउंड यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के चलिए 360। तो मैं अभी भी कहता हूँ, अगर आप इसमें बाइंग देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, क्योंकि ये रिकवर कर रही है कंपनी अपने लोज से,
तो ये देखिए 450 का शेयर यहाँ पर प्राइस था और अभी इस रेंज पे चल रहा है। अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन है तो गिरने के भी चांसेस होंगे, लेकिन इसने डाउन मार्केट में भी जैसे 2 दिन मार्केट गिरी थी तो गिरा था, लेकिन कल के दिन इसने ये प्रोजेक्ट मिलते ही अच्छी खासी जंप लगा ली थी। तो आपको जो इमीडिएट स्टॉप लॉस है वो आपका यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए इस रेंज पर ये इमीडिएट स्टॉप लॉस बन रहा है आपका 440-445 के अराउंड। और उसके बाद जो अगला स्टॉप लॉस अगर आप देखो तो वो जो सपोर्ट लाइन है वो देखिए 410 के अराउंड भी आप लगा सकते हो, और लास्ट फाइनल जो स्टॉप लॉस है वो इस रेंज में लगा सकते हो, 380 से 370 की रेंज में आप अगला स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट अगर आप बाइंग लगा रहे हो तो टारगेट पहला रेजिस्टेंस तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है 510 से 515 के बीच पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है, और बहुत बढ़िया आगे का रेजिस्टेंस आप अगला यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए 580 के अराउंड का रेजिस्टेंस आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस की भी हेल्प ले सकते हैं किस कैसे वो करना है, और अगर आप इमीडिएट स्टॉप लॉस और देखना चाहते हैं तो ये देखिए इमीडिएट स्टॉप लॉस आपको 460 पे भी दिख रहा है। तो ये बहुत काफ़ी काम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस भी फंडामेंटल के साथ साथ, और क्योंकि प्रोजेक्ट जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे परफॉर्म का मतलब यह है कि प्रोजेक्ट्स में उधार कम किया है, नया प्रोजेक्ट मिला है, तो अच्छी न्यूज़ है, और रेटिंग्स भी इसकी अच्छी दी जा रही है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, मीन्स बहुत सस्ते में मिल रहा है ये स्टॉक, बुक वैल्यू देखिए कितनी ज़्यादा है, और क्या कहते हैं जो प्रोजेक्ट की शेयर का प्राइस है वो कम है उस हिसाब से, तो अच्छा करने की उम्मीद है स्टॉक की। अब एक नज़र डालते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आपको नज़र डालूँ तो देखिए प्रोमोटर्स का 50% के 49.45% का शेयर होल्डिंग है, FII 26.89%, आप देखिए FII 335 FIIs ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा 26% की होल्डिंग के साथ, म्यूचुअल फंड 57 म्यूचुअल फंड स्कीम ने होल्ड कर रखा 2.41% की होल्डिंग के साथ, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जो है वो LIC ऑफ इंडिया है, प्रॉफिट प्लस बैलेंस फंड है 6.33% है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.71% है। जो मेजर इसमें नेगेटिव फैक्टर जो मुझे दिख रहा है वो है कि 74.16% प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी गई है, मीन्स प्लेस्ड प्रोमोटर होल्डिंग है, ये एक नेगेटिव फैक्टर पे दिख रहा है। चलिए वाइंड अप करता हूं वीडियो को, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, बहुत जबरदस्त ऑर्डर है, 7000 करोड़ का उधार भी कम किया, 26-27 हज़ार करोड़ का उधार, 26-2700 करोड़ का उधार भी कम किया है कंपनी ने। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।